स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल फजल आसमी इंटीरियर्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक नए पीवीसी सीलिंग डिजाइन के साथ आ चुके हैं। इस पूरे बेडरूम में पीवीसी सीलिंग का वर्क हुआ है, सारे दीवार पर पीवीसी पैनल लगाया गया है। तो सारी चीजें आपको दिखाएंगे और बिल्कुल सही दाम बताएंगे आपको। इस वीडियो को देखने के बाद सारी प्राइस के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अब दोस्तों, आप बॉर्डर को देखिए, 15 इंच चौड़ा हमने यहाँ पर बॉर्डर बनाया है। ब्राउन कलर में पूरा बॉर्डर है हमारा और ऊपर वाली सीट से 2 इंच डाउन है हमारा बॉर्डर। 2 इंच का स्पेस काफी ज्यादा अच्छा लगता है दिखने में। आप उसके अंदर रूप लाइट लगाते हैं तो उसकी रिफ्लेक्शन भी काफी अच्छी दिखती है। इसके बाद दोस्तों, बॉर्डर के बाद आप देखेंगे तो व्हाइट कलर का सीट किया यूज किया गया है हमारा और उसके अंदर जो है सिल्वर कलर की लाइनिंग है। 2G सीट है हमारा ये। और इसके अंदर अगर आप देख पा रहे होंगे तो 4 LED लाइट्स की यूज़ किया गया है। 15 वाट का LED लाइट है, आप ये देख सकते हैं। 2 लाइट इस साइड है और 2 लाइट आगे की साइड। बेडरूम था इसलिए हमने यहाँ पर 4 ही लाइट्स का यूज़ किया है। अगर आप किसी शॉप या दुकान में बनवाते हैं तो अपनी ज़रूरत के अनुसार और भी लाइट्स लगवा सकते हैं। अब आइए एक बार हम बीच के डिज़ाइन को देखते हैं। यहाँ पर बीच में हमने जो डिज़ाइन बनाया है ये भी हमारा ऊपर के पैनल से 2 इंच डाउन है और पूरा जो डिज़ाइन है हमारा ब्राउन कलर के पैनल में बनाया गया है। इसमें हमने बॉक्स भी बनाकर लगाए हैं, आप देख सकते हैं। क्रीम कलर का हमारा बॉक्स है, इसके अंदर वार्म कलर की लाइट का यूज़ किया गया है। ये 2 वाट का स्पॉट लाइट आता है। एक स्पॉट लाइट का प्राइस होता है 120 रुपये। तो आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है इस बॉक्स का। दूसरी साइड आइए आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए दो बॉक्स हमारा यहाँ पर भी लगाया गया है। इनके पास देखेंगे तो वहाँ पर हमने MDF सीट का यूज़ किया है जिसे हमने क्रीम कलर में पेंट किया है। उसके अंदर वार्म कलर की लाइट का यूज़ किया गया है दोस्तों। अब अगर कॉस्ट की बात करें तो 80 रुपये स्क्वायर फीट PVC सीलिंग का कॉस्ट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप अगर MDF सीट लगवाते हैं तो MDF सीट का कॉस्ट अलग से लिया जाता है। MDF सीट का 250 रुपये स्क्वायर फीट अलग से कॉस्ट लिया जाता है और PVC सीलिंग का कॉस्ट 80 रुपये स्क्वायर फीट स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा डिजाइन है, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है, बहुत ही फिनिशिंग से पूरा वर्क किया गया है दोस्तों। अगर आप भी ऐसे ही फिनिशिंग से कोई भी वर्क करवाना चाहते हैं हमसे तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं। अब आइए हम PVC वाल पैनल देखते हैं और इसके कॉस्ट के बारे में जानते हैं दोस्तों। आप देखिए इस वाल पर हमने ग्रीन और रेड कलर के पैनल को यूज़ किया है। पूरा पैनल हमारा 3D डिजाइन में है और इसमें जो है रिफ्लेक्टेड पूरा पैनल है। आप देखिए लाइट पड़ने की वजह से पूरा पैनल आपको रिफ्लेक्टेड दिख रहा होगा। बहुत ही प्यारा डिजाइन है। अगर इसके कॉस्ट की बात करें तो वाल पर हमारे दो क्वालिटी के पैनल्स लगाए जाते हैं। एक होता है स्लिम पैनल और एक होता है सुपर हैवी पैनल। तो स्लिम पैनल का स्टार्टिंग प्राइस जो होता है वो 30 रुपये स्क्वायर फीट हो जाता है। वहीं पर अगर आप हैवी पैनल लगवाते हैं तो 40 रुपये स्क्वायर फीट लगाया जाता है। अब दूसरे साइड आप वाल पर देखेंगे तो पूरा हमारा क्रीम कलर का ये पैनल लगाया गया है। आइए अब आपको एक बार करीब से चल के इस पूरे पैनल्स के डिज़ाइन को आपको दिखाते हैं। दोस्तों देखिए पूरा टेक्सचर डिज़ाइन में पूरा डिज़ाइन बना हुआ है। कुछ वुडन इसकी फिनिशिंग है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए पूरा बेडिंग का यूज़ किया गया है किस प्रकार से, बहुत ही फिनिशिंग से पूरा वर्क किया गया है और ये कलर काफ़ी ज़्यादा लग्जरी लगता है देखने में। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर बोर्ड को एडजस्ट कर दिया गया है कटिंग करके, बहुत ही फिनिशिंग के साथ पूरा वर्क किया गया है। आप देखिए इसके बगल TV भी यहाँ पर लगा दिया गया है उसकी जगह पर। और भाई इस कलर के पैनल की एक खासियत और है कि ये कलर हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है। कभी भी आप लगवाएंगे ये कलर कभी भी पुराना होने वाला नहीं है क्योंकि ये कलर हमेशा डिमांड में होता है, बिल्कुल लग्जरी कलर होता है। उसके बाद आप देखेंगे इस दीवार पर हमने पूरे ग्रीन कलर के पैनल का यूज़ किया है। इस पे मोर का पंख वाला डिज़ाइन है दोस्तों। आइए एक बार आपको नज़दीक से चल के पूरे डिज़ाइन को दिखाते हैं, इसके टेक्सचर को दिखाते हैं, साथ ही पूरी चीज़ आपको इसमें भी नज़र आ जाएगी किस प्रकार से ये पैनल है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि अगर हमें PVC पैनल लगवाना है तो कितना खर्चा आएगा उसे लगवाने का। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में आगे बताया कि PVC पैनल का 2 क्वालिटी होता है, एक स्लिम क्वालिटी और एक हैवी क्वालिटी का पैनल होता है। स्लिम वाले पैनल हमारे 30 रुपये स्क्वायर फीट आते हैं और हैवी वाले पैनल 40 रुपये स्क्वायर फीट आते हैं। तो अगर आपका दीवार 10x10 का एक दीवार है उस पर आप स्लिम पैनल से लगवाते हैं तो स्लिम वाले पैनल आपके जो है 3000 रुपये में पूरी दीवार पर लग जाएंगे और उसकी लाइफ लगभग 10 साल की होती ही होती है। वहीं पर अगर आप हैवी वाले पैनल्स लगवाते हैं तो हैवी वाले पैनल्स हमारे जो हैं वो आते हैं 40 रुपये स्क्वायर फीट। 10x10 के दीवार पर लगाने का टोटल खर्चा आएगा 4000 रुपये और इसकी क्वालिटी मिनिमम 20 ईयर मतलब 20 साल तो चलना ही चलना है, 20 साल आपकी सुपर हैवी पैनल्स चलते ही हैं। अब अगर आप भी किसी रूम में PVC सीलिंग कराने का सोच रहे हैं या फिर PVC वाल पैनल लगवाने का सोच रहे हैं, उसके कॉस्ट के बारे में आपको जानना है, कितना खर्चा आएगा आपको करवाने में, कितना खर्चा लगेगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने सीलिंग का साइज लिख के कमेंट कर दीजिए या फिर अपने दीवार का साइज लिख के कमेंट कर दीजिए। हम आपको बताएंगे उस पर कितना टोटल खर्चा आएगा। तो वीडियो अगर अच्छे लगे हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।